व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का जो थ्योरी पार्ट था वो समझ दिया है। इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहला क्वेश्चन है 12 / 3/4। अब देखिए आपको क्या बताया था, 12 डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका रेसिप्रोकल करना है तो 4/3। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मन लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 से काट रहा तो 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, ये आ गया आपका 16। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ही देखते हैं, ये सब आप अपने से बनाइएगा। 5 / 3 × 4/7, 5 इसका डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन। 3 × 7 = 21, इसको हम इम्प्रॉपर है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 × 7 = 21 और 4 = 25/7, 25 × 5 = 125/7, इसको आप फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। चलिए चेंज करते थे, 7 × 125 से डिवाइड दिया, 1 × 7 = 7, 55 और 55 है तो 7 × 7 = 49, ये वन हुआ 17। ये कोसेंट वाला यहाँ लिख देगा इंटीजर्स में, रिमाइंडर ये हो जाएगा, और जो आपका जो ये डिनोमिनेटर सेम था आपका जो आंसर में वो 7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे चेंज करते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम प्रॉपर एंड होल नंबर। आपको जो दिया गया है इसमें आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, उसके बाद रेसिप्रोकल निकलने के बाद उस पर आपको चेक करना है कि वो रेसिप्रोकल जो आया है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम प्रॉपर है या फिर होल नंबर है। सबका डिफिनेशन आपको पता है, मुझे पता है। जैसे 3/7, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। 7/3 क्या है ये बताइए, 7/3 एक इम प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/7 प्रॉपर है। क्यों है, 7 जो डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर से ज़्यादा है, अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो वो इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे ही चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 नंबर आप अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 9/7, इसका रेसिप्रोकल 7/9, 7/9 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है नोमिनेटर से। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, 1/8, 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/1, 8/1 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, 8 क्या है, एक होल नंबर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर और सब जो बचा है आपको अपने से करना है, नहीं आता है तो कमेंट में बताइए। 7/3 / 2, 7/3 मल्टीप्लाई किया, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 7/6, 7/6 क्या है, इम्प्रॉपर फैक्शन, इसको आप मिक्स में चेंज कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन, 4 × 3/7 / 7, 4 × 7 = 28, 21 / 8 = 3, 31/7, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन, 7 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हिंदी में बोलते हैं 1/7 था, 1/7, 31/49, 31/49 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, डिनोमिनेटर इसमें ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और सब जो अपने आप से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2/5 / 1/2, सही है, 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, 2/1 किया, इसका हमने रेसिप्रोकल लिखा तो 4/5 हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जहाँ भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखे उसको आँख बंद करके आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 2/5 = 5 × 10 और 11, 11/5 / 5 = 5, 6/5, 11/5 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 6/5 का इन्वर्स करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 11/6, 11/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको आप अपने आप करना है, नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए, मैं बताऊँगा, पूरा का पूरा बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्लास 7 के एस्पेक्ट में।
क्लास सेवेंथ में अब हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमने क्लास सिक्स में ही पढ़ा था, उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।